14 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस गिवन बिलो आर एक्टिव सेंटेंसेज। यहाँ पे कुछ एक्टिव सेंटेंसेस दिए हुए तो हमें उसको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन पैसिव सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, वॉइस ऑफ सेंटेंस इंडिकेट्स वेदर द वर्ब इन द सेंटेंस गिव्स अ डॉट द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, वॉइस ऑफ अ सेंटेंस इंडिकेट्स, सेंटेंस का जो वॉइस होता है ओके वो हमें इंडिकेट करता है कि जो वर्ब है ओके वो उसने पोजिशंस कौन सी लिए, सब्जेक्ट की पोजिशन लिए या ऑब्जेक्ट की पोजिशंस लिए सेंटेंस के अंदर। वर्ब में भी ट्रांसिटिव और इंट्रेंसिटिव, वर्ब या तो ट्रांसिटिव होता है या फिर इंट्रेंसिटिव होता है। ट्रांसिटिव वर्ब्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव एंड पैसिव। वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, वॉइस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स वेदर अ सब्जेक्ट कैरीज आउट एन एक्शन और एन एक्शन डन ऑन इट। ओके, वॉइस क्या है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब है ओके जो हमें इंडिकेट करता है कि जो सब्जेक्ट है उसने खुद एक्शन की है या फिर उस पर एक्शन हुई है। लेट्स लर्न एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इटसेल्फ परफॉर्म द एक्शन स्टेटेड बाय द वर्ब। ओके, एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर जो सब्जेक्ट है ओके वो खुद परफॉर्म कर रहा है एक्शन। ये हमें कैसे पता चलेगा, एक्टिव वॉइस से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल तो उसको हम बोलेंगे एक्टिव वॉइस। ओके, सब्जेक्ट अगर खुद एक्शन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस, उस सेंटेंस को बोलेंगे हम एक्टिव वॉइस। फॉर एग्जांपल द टीचर टीचर्स द स्टूडेंट। ओके, तो ये सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, द टीचर, टीचर सब्जेक्ट है तो टीचर खुद एक्शन कर रहा है ना, तो टीचर्स द स्टूडेंट वो स्टूडेंट्स को टीच करते हैं ना, वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे दिस इज द एक्टिव वॉइस, हियर द सेंटेंस शोज द एक्टिव वॉइस इन विच द सब्जेक्ट द टीचर इज डायरेक्टली डूइंग द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब टीचर्स। ओके, वर्ब क्या है, टीचर्स है। ओके, टीचर सब्जेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, डिफरेंट फ्रॉम दिस सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट डायरेक्टली। एक सेंटेंस होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा है बट इज एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। ओके, लेकिन बल्कि सब्जेक्ट के बदले वर्ब यहाँ पे एक्शन कर रहा है। ओके, इज कॉल्ड सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस, इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज टॉट बाय द टीचर। ओके, स्टूडेंट्स को टीच कौन कर रहा है, टीचर टॉट कर रहा है। ओके, टीचर उनको पढ़ा रहा है स्टूडेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से शफल करेगा और यहाँ पे पूरा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो सेम ही रहेगा लेकिन आगे पीछे हो जाएगा, इसका जितने भी वर्ड्स हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे यहाँ पे। डिफरेंट फ्रॉम दिस सेंटेंस विद आवर सब्जेक्ट डिज नॉट एक्ट डायरेक्टली बट इज एक्टेड। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो खुद डायरेक्टली एक्शन नहीं कर रहा है बट इज़ एक्टेड अपॉन बाय द वर्ब। ओके, यहाँ पे वर्ब ने उसने जगह ले ली है, सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे वर्ब ने ले ली है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। इट शुड बी नोटिस इन दिस एग्जाम्पल द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस इज टेकन द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिमिलरली द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस इज ऑक्यूपाइड द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट की जगह ले ली है और ऑब्जेक्ट ने सब्जेक्ट की जगह ले ली है, इस तरह से वर्ड्स आगे पीछे हो गए हैं। This is a reversal or interchange of roles between the subject and object of the two sentences. It can be seen that the core sense and meaning of the sentence remain the same. जैसे मैंने पहले बोला था कि जो मीनिंग है सेंटेंस का वो एक ही रहेगा। Remarkably, the rule and form of the verb has changed. In the second sentence, the verb phrase is taught does not indicate direct action of the subject. The student rather shows that the subject has been acted upon. In the second example, the subject of the sentence approaches or connects with the verb somewhat indirectly or passively. Hence, it is called a case of passive voice. Okay? तो दिस इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। ओके, जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस बदल रहे हैं बाकी मीनिंग सेम टू सेम वही रहेगा। फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस, इच टेंस हैज इट्स ओन पैसिव वॉइस विच इज़ क्रिएटेड बाई यूजिंग अ फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब टू बी प्लस पार्टिसिपल। ओके, हम यहाँ पे टू बी का यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। हैंस एज पर ग्रामर रूल्स फॉलोइंग टू एस्पेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस के अंदर ग्रामर्स के कुछ रूल्स हैं। ओके, वो हमें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। द की टू द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस इज द यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद एन ऑक्सिलरी वर्ब पुट बिफोर इट। फॉर एग्जाम्पल यू टुक इट यस्टरडे एक्टिव वॉइस है। देखो पैसिव वॉइस के अंदर पूरी तरह से चेंज हो गया है वर्ड, इट वॉज टेकन बाई यू यस्टरडे। ओके, तो मीनिंग एक ही रहेगा लेकिन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस इज चेंज। ऑक्सिलरी यहाँ पे कौन से वर्ड्स लगे हैं, वॉस ऑक्सिलरी लगा है और कनेक्टिंग प्रीपोजिशन कौन सा है, यू। द वर्ब फॉर्म इन अ पैसिव वॉइस सेंटेंस टेक शेप इन अकॉर्डेंस विद द टेंस बीइंग यूज्ड इन इट। द फॉलोइंग चार्ट शोज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस इन ऑल काइंड्स ऑफ स्टेट्स। एग्जाम्पल सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट फॉर्म्स इन ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेस पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, यहाँ पे हम सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे और फिर हम पैसिव और एक्टिव वॉइस सेंटेंस बनाएंगे। टेंस है सिंपल प्रेजेंट, ऑक्सिलरी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, सब्जेक्ट प्लस एम इज या आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव एंड पैसिव, सिल्क वर्म प्रोड्यूसेस सिल्क, एक्टिव है, पैसिव क्या है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। ओके, घुमा फिरा के जो वर्ड को है वर्ड को यहाँ पे शफल करके एक्टिव और पैसिव वॉइस हम बनाएंगे। इंडिया हैज़ इनफ सैंडलवुड, एक्टिव पैसिव, सैंडलवुड इज़ फाउंड इन इंडिया। ओके, ऑल दिस इज़। नेक्स्ट,
ओके इस तरह से फॉर्मेशन कैसे होगी, ओके कौन से टेंस के अंदर कैसे फॉर्मेशन होगी उसके बारे में ये पूरा पेज है. ओके यू हैव टू रीड वन टाइम एंड यू विल श्योरली अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट सम जनरल रूल्स ऑफ द ग्रामर ऑफ वॉइस. मोनो ट्रांसिटिव वॉइस In simple sentences, a change from active to passive takes place by changing the verb to past participle form and by putting the word by before the doer's name. For example, active to passive करने के लिए okay, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, changing the verb to past participle form. Okay, verb को हम past participle form में लिखेंगे. He sells mangoes. Active voice. Mangoes are sold by him. Okay, passive. Does he still love me? Active voice. Passive voice. Am I still loved by him? Detransitive voice, when the verb in the active voice is detransitive. Example, with twin objects available, the possibility of the passive voice formation is of not just one but of two kinds. For example, the teacher taught the students mathematics. The students are taught mathematics by the teacher. Okay, you have to read one time, all this is okay. Next. When an interrogative sentence is changed from active to passive voice. Primary auxiliary verbs do, does, indeed are not used when an interrogative sentence is changed from active to passive voice. For example, do the children play football? Is football played by the children? Did she invite you? Were you invited by her? Okay, तो यहाँ पे एक ही जैसा है लेकिन यहाँ पे कुछ words है जो अलग अलग types के दिए हुए. So you have to read these examples and understood by himself only. Okay, next. Practice time hai, okay. Write it, complete it, and your chapter is finished.